नाव हादसा अपडेट। बांदा में नाव हादसा होने से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। लापता लोगों की अभी तक रिकवरी न होने के कारण परिजन और ग्रामीण मौके पर हंगामा कर रहे हैं। मामले को लेकर आक्रोशित लोगों और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी हुई है। वहीं परिजन नदी में जाल डलवाकर लोगों को तलाश करने की मांग कर रहे हैं। नवभारत समाचार बांदा से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नाम जावित्री। जावित्री कहाँ की रहने वाली है आप? गाँव समगरा। समगरा गाँव सरकंडी भूसवडेरा फतेहपुर। फतेहपुर में। अच्छा, तो आपके कौन कैचुअलिटी में नाव में कौन डूब गए हैं? आपके पति? थोड़ा तेज बोल दी। अच्छा, तो ये वो कहाँ जा रहे थे? उस तरफ कहाँ जा रहे थे? मैं अपने गांव बुलाया, वही मैं कहूँ रक्षा बंधन घर में करो। अच्छा, मैं कहूँ तुम्हारी बहनी है ये, तो घर चले आओ। बाहर से आए ससुराल में रुक के रहे तो ये सब कह रहा के, तो यही मैं रही हूँ, तो मैं कहूँ ना रुको चले आओ। नाव से अपने ससुराल मतलब अपने घर जा रहे थे? मतलब आपके घर आए थे? मतलब वो अपने ससुराल आए थे? बाहर से आए तो वही कैसे रुक के आए जी? तो वो कहा ही रुकती रहे सब, तो फोन लगाए तो मैं कहा तुम अपने घर के त्योहार करो, तो करे आ जा रहे। और रास्ते में नाव पलट गई। कि और कितने बच्चे हैं आपके परिवार में? दो लड़का है एक लड़की। दो लड़का एक लड़की। शादी हो गई है सब? छोटे छोटे हैं? बड़ा वाला 6-7 साल का है और उससे छोटा। और पति के साथ में कौन था? कोई नहीं। तीन आदमी यार, कोई नहीं उनके साथ में, कोई नहीं। मतलब नाव में और भी लोग रहे होंगे जी? राम नरेश। क्या घटना हुई है? दो आदमी घूर रहे हैं सर बोट में। आपके परिजन कौन थे वो? मतलब मेरे भाई, भाई हो जाए थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? निम्भौर से आए, लक्ष्मणपुर जा रहे थे। तो ससुराल लक्ष्मणपुर। किस लिए जा रहे थे? रक्षा बंधन के लिए जा रहे थे, राखी बांधने के लिए। आपको हादसे का कब पता चला? 3 बजे शाम को मालूम पड़ा। अभी कुछ पता नहीं हुआ? अभी कुछ उनको पता नहीं। पर आज यहाँ घटनास्थल पहुँचे हैं, क्या देखा है आपने? क्या निर्देश दिया अधिकारियों को? देखिए, इस घटना से पूरी सरकार दुखी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें और हमारे राज्य मंत्री रामकेश जी को यहाँ भेजा है, और पूरा प्रशासन जब से ये घटना घटित हुई है कल से इसमें लगा हुआ है कि किसी तरह से जो लापता लोग हैं उनकी डेड बॉडी मिले। 33 लोगों का अनुमान था उस नाव में, और 33 में 13 लोग तो निकल गए तैर के, और 20 लोगों में 3 की डेड बॉडी मिली है। 17 लोग अभी भी लापता हैं, उनको खोजने के लिए NDRF, SDRF और जल निगम, जल पुलिस की ये पूरी टीमें लगी हुई हैं। लोकल के गोताखोर भी लगे हैं। पूरा प्रयास जारी है कि उनकी डेड बॉडी मिल जाए, और जो हमारे परिजन यहाँ पर दुखी परिजन हैं उनके साथ ये पूरी सरकार खड़ी है, और उनकी मदद के लिए योगी जी के निर्देश पर हर मृतक आश्रित परिवार को 4-4 लाख रुपए ये सरकार देगी। किसी कारणवश अगर कोई डेड बॉडी नहीं भी मिल पाती है, क्योंकि यमुना बढ़ी हुई है, बह जाती है, तो उनके लिए भी अखबारों में निकाल करके विज्ञापन दे करके ये लोग लापता हैं, अगर उसकी पूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद ऐसे लोगों को भी जिनका अनुमान है, जिनका सत्यापन हो चुका है कि ये लोग नाव में थे, उनको भी 4-4 लाख रुपए मृतक आश्रित परिवार को योगी सरकार देने का काम कर। 22 कल रात में हमारी टीम पहुंची है, और लगभग सुबह 3 बजे तक हम लोगों ने ऑपरेशन किया। उसके बाद अभी सुबह फिर उसके बाद 6 बजे से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा चला हुआ है। हमारे बोट्स, हमारे डीप डाइवर्स, जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी हमारे पास बोट कैप्साइजेस के रिगार्डिंग जो बॉडी को ढूंढने के हमारे जितने भी सर्च एंड टेक्निक्स हैं, उन सब का यूज़ करते हुए हमारे NDRF की टीम, के SDRF टीम पूरी तरह यहाँ प्रयास कर रही है। सर, कहाँ तक सर्च ऑपरेशन अभी तक किया गया है? अभी 20 किलोमीटर तक भी हमारी बोट देख कर आई है। अच्छा। कि क्योंकि फ्लो भी ज़्यादा है इसमें, फ्लो से बॉडी या कुछ भी ऐसा क्लू हमें मिले, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नहीं बता रहा है कि किस जगह पर
बोट जो है हुई है, तो किसी का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर है, उसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। सर, अभी हम और भी टेक्निक्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शाम तक जरूर कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट आए। ठीक सर, थैंक यू। घटना हुई थी, नाव डूबी थी, कई लोगों के मारने की आशंका पाई जा रही है, आप भी आए, क्या देखा है, क्या मामला था? जैसा कि जानकारी हमको भी कल हुई थी कि लगभग वही 3:30 बजे के आसपास एक नाव डूब गई थी, जिसमें तमाम लोगों के डूब के मर जाने की सूचना थी। उसको लेकर के हम भी मौके में मौका मुआयना करने आए थे, तो मौके में जो जा करके हमने देखा है तो शासन और प्रशासन की भरपूर लापरवाही हमको दिख रही है, क्योंकि NDRF की जो टीम लगी हुई है वो अभी तक कल से लेकर के आज तक एक भी लाश नहीं निकाल पाई और डूबी हुई नाव को भी नहीं वो ढूंढ पाए हैं। इससे ये लगता है कि प्रशासन की लापरवाही है और इस पर जो है सही मंशा से काम नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, माना जाए 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं लेकिन अभी तक किसी को नहीं निकाला जा पा रहा है। हाँ, तो ये जो टीम लगी हुई है उसका काम ठीक नहीं है और वो काम कर नहीं पा रहे हैं और लाशें आज तक मिल नहीं पाई हैं और हो सकता है कि अब मिल भी नहीं पाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारी और मंत्री, यहाँ तक कि मंत्रीगण भी यहाँ तक आए हैं लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई जिससे कोई लाश मिल पाए या कोई अन्य चीज़ें जो मोटरसाइकिल है, साइकिल है, नाव है जो डूब गई हैं वो मिल पाए, कुछ भी नहीं ये लोग कल से आज तक निकाल पाए।